गाइस वेलकम बैक टू क्लासी ड्रामा। कैसे हैं आप सब लोग? आई नो आप सब बहुत बढ़िया हैं। सबसे बड़ी बात है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, बहुत टाइम हो गया कि मेरी जो वीडियोस जिस तरीके से मैं पहले डाला करता था वो अब नहीं आ रही हैं। तो अब जल्दी से जल्दी मैं अब उस लेवल तक, मैं कुछ बिजी हो गया था किसी चीज़ में, अब मैं वो ज़रूर डालूंगा, अब मैं नई वीडियोस भी डाला करूंगा। तो चलिए आज हम क्या करने वाले हैं, आज बेसिकली हम एक ट्राईपॉड की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो पहले मैं आपको ट्राईपॉड दिखाता हूँ, ये है वो ट्राईपॉड जिसकी आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे। तो अब बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। चलिए तो गाइज ये है वो अमेज़ोन का पैकेट जो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अमेज़ोन से हमने ये मंगवाया है गोरिल्ला ट्राईपॉड डिजिटेक का DTR 260 GT। सो ये 13 इंचीज़ तो वैसे उस प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में लिखा होता, बट हम आज चेक करते हैं। तो सबसे पहले अनबॉक्सिंग करते हैं, और अनबॉक्सिंग करने के लिए हम इसको यहाँ से खोल लेते हैं। ये हमारे को एक बिल मिला है, इनवॉइस। किस प्राइस के अंडर मैंने ये मंगाया है और इस प्रोडक्ट में क्या खासियत है, क्या इसका बेसिकली फीचर्स हैं, ये सारा वीडियो के एंड तक आपको पता लग जाएगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, और अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलो अब हम इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। सो ये है डिजिटेक का लाइट वेट DV ट्राईपॉड DTR 260 GT, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये बेसिकली ऐसे गोरिल्ला ट्राईपॉड है विद मोबाइल माउंट एंड ब्लूटूथ रिमोट, हमारे को इसके साथ मिला है, तभी एक अच्छे ऑफर पे हमारे को मिला, प्लस अच्छे प्राइस में मिला है। ये कुछ इस प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन मेंशनड है, जैसे कि मैक्सिमम लोड ये 1 kg उठा पाएगा, मैक्सिमम हाइट है इसकी 240 mm, फोल्डेड हाइट है इसकी 260 mm, एंड वेट 0.149 kg, सेक्शंस 10, और मटीरियल इसका प्लास्टिक है। चलिए ये हम बॉक्स को करते हैं ओपन। सबसे पहले हमारे हाथ में आया है एक मोबाइल माउंट जो कि कुछ देखने में ऐसा है, ठीक है, इट्स ओके। इसको साइड रखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गया हमारा ट्राईपॉड, एंड ये है रिमोट। चलिए बॉक्स को करते हैं साइड, ट्राईपॉड देख लेते हैं कैसा है। ट्राईपॉड इट्स ओके, हैवी है नो डाउट, अगर मोबाइल फ़ोन के हिसाब से देखा जाए तो इट इज़ गुड। एंड इसके क्या बेनिफिट्स हैं कि अगर हमारे को कभी भी डेस्क पे या कभी भी कोई फ्लैट सरफेस नहीं है तो वहाँ पे इसको शूटिंग करने के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, लेकिन अभी तक हमने ट्राई नहीं करा था तो मेरा बहुत टाइम से मन था। सो ये वैसे हमारा तीसरा स्टैंड हो चुका है। अगर पिछले ट्राईपॉड्स की अभी तक आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो वीडियो में आपको आई बटन में आ जाएगा, आप देख लीजिएगा। ये इसके नीचे कुछ रबर वाला मटेरियल यूज़ किया गया ताकि ये स्लिप ना करे, ठीक है। और इसकी एक्चुअल हाइट हम देखें हाथ में पकड़ने में कैसा लग रहा है, इट्स गुड, मतलब अभी हम ट्राई करके आपको बताते हैं प्रॉपर। तो रिमोट को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पे एक बटन है, आप ये देख सकते हैं, ये बटन है, ये किया ऑन, लाइट ऑन हो गई है, तो इसको ब्लूटूथ से पेयर करना पड़ेगा। कैमरा 360 iOS एंड नीचे लिखा है एंड्रॉयड, बट हमारा एंड्रॉयड है, हम एंड्रॉयड से इसको करते हैं पेयर। प्लस पॉइंट इसका ये कह सकते हैं कि हमारे को कभी भी अगर हम बिल्कुल डिस्टेंस में हैं अपने ट्राईपॉड के सामने तो हमारे को ये हेल्प करेगा कि हमारे हाथ में अगर ये पेयर्ड रिमोट है तो हम इससे सिर्फ टैप करेंगे वीडियो, और हमारा वीडियो एंड फोटोग्राफ्स हम इसी से क्लिक कर सकते हैं। रिमोट को मोबाइल फ़ोन के साथ कनेक्ट करते हैं और मोबाइल माउंट को मोबाइल के साथ अटैच करते हैं, और तीनों को प्रॉपरली यूज़ करके दिखाते हैं आपको। ये क्विक रिलीज बटन है, इसको अगर हम टैप करते हैं ये देखिए निकल जाएंगे, ये देखिए वैसे ये लॉक है लेकिन हम इसको जैसे ही यहाँ से यूँ करते हैं ये निकल जाता है। ये तब काम आएगा जब हमारे को जैसे कुछ एक्शन कैमराज वगैरह कनेक्ट करने हैं, GoPros कनेक्ट करने हैं, तो हम इसको इस माउंट को निकाल भी सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो हम इसको ऐसे ही लगे हुए में भी अपना मोबाइल फ़ोन कनेक्ट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए ये लग चुका है बिल्कुल प्रॉपरली, ठीक है। और अगर हम मोबाइल फ़ोन कनेक्ट करने की देखें तो मोबाइल फ़ोन ये मोबाइल फ़ोन प्रॉपरली कनेक्ट हो गया। अब मैं आपको इसका वो चीज़ दिखाऊंगा क्या वो रिमोट प्रॉपरली काम करता है या नहीं। चलिए इसको हम चेक करते हैं, यहाँ से हम ब्लूटूथ ओपन करते हैं, कनेक्ट ये ऑलरेडी हो चुका है। ये आप इस तरीके की कुछ फोटोज़ देख रहे हैं, हम थोड़ा सा एक्सपोजर डाउन करते हैं,
ठीक है, जैसे कि आप क्लियरली देख पा रहे हैं मैंने उसमें सिर्फ एक्सपोजर डाउन करा है ताकि एक्स्ट्रा लाइट नहीं आए। और यहाँ से हम इसको ट्राई करते हैं। यस, ये काम कर रहा है, ये देखिए आप खुद देख सकते हैं, ये देखिए, ये हम जैसे ही क्लिक करते हैं आप ये देख सकते हैं फ़ोटोज़ खिंच रही हैं। और अगर हम ऊपर वाले बटन से करके देखें या देन ऑल्सो ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है। और अगर हम इसे प्रेस करे रखें तो ये बर्स्ट फोटोज़ एक्टिव कर देगा, देखिए, ठीक है। और अगर हम यही वीडियो पे टैप करते हैं, फ़ोटो हम चेक करें, यस, तो अब हम अगर सपोज़ वीडियो ऑन करते हैं, ये हमने वीडियो मोड ऑन कर दिया, ठीक है। और अब हम इसको ट्राई करते हैं, क्या वीडियो भी चलेगी? यस, वीडियो रिकॉर्डिंग आप स्टार्ट हो चुकी है, आप देख सकते हैं। 5 सेकेंड्स पे हम इसको स्टॉप करेंगे, यस, देन अगेन, यस। रिमोट इज़ वेरी ओके, एक छोटा सा इतना कॉम्पैक्ट सा रिमोट वेरी हेल्पफुल है, इसमें कोई शक नहीं, हम इसे ऑफ कर देते हैं। बट इसकी जो क्वालिटी मैंने क्वालिटी इमेजेस में देखी है इस प्रोडक्ट के, तो मुझे थोड़ा सा लगा था हैवी आएगा, इससे भी मच बेटर, बट नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। अब हम इसे ट्राई करते हैं और इसका एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करेंगे, और कुछ वीडियोग्राफी में भी हमारे को नो डाउट चेंज तो आएगा ही आएगा, तो हम उसे भी ट्राई करेंगे। सो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। एंड अब आते हैं प्राइस के बारे में, ये मुझे मिला है 299 रुपीज़ का कंप्लीट फ्री शिपिंग, बिकॉज जो सेल स्टार्ट हो चुकी है फ्रॉम 2nd of October, तो प्राइम मेंबर होते हुए हमारे को ये 299 का मिला है, जिसमें हमारे को डिलीवरी भी नहीं लेनी थी बिकॉज डिलीवरी फ्री थी। तो यही था इसकी अनबॉक्सिंग का। कैसी लगी आपको ये अनबॉक्सिंग की वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ऐसे ही हमारे को प्यार देते रहिए। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और ध्यान रखिए। बाय बाय।